जय हिंद दोस्तों कैसे हैं आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो अच्छी व हेल्पफुल लगे तो लाइक व शेयर करना भी मत भूलिएगा कंप्यूटर एमसीक्यू चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ई प्रोम ई पी आर ओ एम दोस्तों ये टाइप है रीड ओनली मेमोरी रोम का यदि मैं बात करूँ रीड ओनली मेमोरी की तो दोस्तों इसके टाइप्स है ई e प्रोम इसकी आपको फुल फॉर्म बतानी है तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इविजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम के जो टाइप है पी आर ओ एम ई पी आर ओ एम और तीसरा है ई पी आर ओ एम यदि मैं फुल फॉर्म बताऊं आपको पी आर ओ एम की तो वो है दोस्तों प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई प्रॉम की बात करें तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक जो ऑप्शन आता है वो आता है दोस्तों ई e, पी e, आर ओ एम ये जो ई e है ये यहाँ डबल हो जाएगा तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है बहुत महत्वपूर्ण टर्म है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड दोस्तों सॉफ्टवेयर कोड में एरर डिटेक्टिंग के प्रोसेस को क्या बोला जाता है ऑप्शन ए है कंपाइलिंग, टेस्टिंग फैचिंग या फिर डीबगिंग तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डीबगिंग नेक्स्ट प्रश्न आसकाई एस सी आई आई फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑप्शन ए बी सी और डी आपके सामने दिए गए हैं तो ऑप्शन नंबर डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दी स्क्रीन बैकग्राउंड इज नॉन एज ऑप्शन नंबर ए है एप्लीकेशन ऑप्शन नंबर बी विंडो डेस्कटॉप आइकन्स तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी और सी डी में से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा डेस्कटॉप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं पोस्ट स्टैंड फॉर पी ओ एस टी ये जो फॉर्म है दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है बहुत बहुत महत्वपूर्ण फॉर्म है तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कनेक्शन ऑफ वन डॉक्यूमेंट टू अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से लिंक करना यहाँ कनेक्शन की जगह लिंक भी आ सकता है या फिर आपको डॉक्यूमेंट की जगह कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं तो उसे क्या बोला जाता है उस लिंक को क्या बोला जाता है ऑप्शन नंबर ए उसे बोला जाता है दोस्तों हाइपरलिंक लिंक क्या बोला जाता है हाईपर लिंक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पी एन जी स्टैंड फॉर दोस्तों फुल फॉर्म बतानी है पी एन जी की ये जो पी है जे है इस तरह के फॉर्मेट है ये ये आपके इमेज के, के फॉर्मेट है तो ऑप्शन ए है पोर्टेबल नेमग्राफिक पोर्टेबल नेटवर्क जनरेटर प्रिंटेड नेटवर्क ग्राफिक्स या फिर पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑन अ डिस्क इज कॉल्ड दोस्तों आपने जो डिस्क देखी होगी उसमें जो सर्कल बने होते हैं उन सर्कल को क्या बोला जाता है इस तरह से उसमें रिंग टाइप के सर्कल बने रहते हैं उन सर्कल को क्या बोला जाता है ऑप्शन ए है सिलेंडर ट्रैक रिंग्स या फिर सेक्टर तो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी में से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा ट्रैक प्रश्न संख्या हंड्रेड वन मेगावाइट इज इक्वल टू वन मेगावाइट इज इक्वल टू एक हजार वन मिलियन बाइट्स वन ट्रिलियन बाइट्स या फिर टू थाउजेंड बाइट्स तो ऑप्शन नंबर बीस का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वन मिलियन बाइट्स दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं मेमोरी से संबंधित इससे संबंधित पहले ही वीडियो बना चुका हूँ यदि आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिल जाएगा ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं दोस्तों डिवाइस दैट इनपुट ग्राफिकल इमेज एंड पिक्चर इन आर कम्प्यूटर इनपुट से क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट डिवाइसिस से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डिवाइस दैट इनपुट ग्राफिकल इमेज एंड पिक्चर यहाँ टेक्स्ट भी हो सकता है आपके इमेज को इनपुट करता है आपके कंप्यूटर में तो वो क्या कहलाता है तो उसे बोला जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्कैनर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्कैनर के थ्रू आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसे आउटपुट इनपुट कर देते हैं माफी क्या इनपुट कर देते हैं आपके अपने कंप्यूटर में तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड पंच कार्ड आपको बताना है निम्न में से किसने पंच कार्ड को इन्वेंट किया जैकवाड पास्कल जॉन बॉन न्यूमैन या फिर हेरमैन हॉलरिच तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हिरमन हॉलरिच ने आपके पंच कार्ड को इन्वेंट किया फुल फॉर्म ऑफ एडवेक एडवेक स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर तो ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपकी फुल फॉर्म है एडवेक की दोस्तों एक होता है एडसेक उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ फुल फॉर्म ऑफ एडसेक आपको बताना है एडसेक की फुल फॉर्म क्या है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी आपके सामने दिए गए हैं एडसेक की फुल फॉर्म है आपकी ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इज द फुल फॉर्म ऑफ एट सेक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले इज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जो आपकी एक्टिव सेल होती है उसके कंटेंट्स उसका टेक्स्ट उसमें लिखा डाटा कहाँ डिस्प्ले होता है निम्न में से ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी आपके सामने दिए गए हैं तो वो डिस्प्ले होता है आपका फार्मूला बार में यदि आपने एक्सेल शीट में काम किया होगा तो इस तरह से उसमें रोज़ एंड कॉलम्स बने होते हैं ये होती है आपकी एक्टिव सेल जहाँ आपका कर्सर लिखा ब्लिंक कर रहा होता है तो उसमें लिखा डाटा कहाँ शो होता है वो शो होता है दोस्तों आपके फॉर्मूला बार में उस सेल का एड्रेस कहाँ शो होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन्हीं में से एक ऑप्शन रहेगा दोस्तों ए बी सी या डी में से जो आपकी सेल है उस सेल का एड्रेस कहाँ शो रहेगा उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आज की वीडियो में बस इतना ही अगले प्रश्नों के लिए अगली इसी तरह के मोस्ट मोस्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे दीजिए इजाज़त बाय बाय Take care!